हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके टीवी का रिमोट ख़राब हो चुका है और काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से एवी मोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं टीवी को, और साथ ही अगर आपकी टीवी के जो नीचे वाले जो बटन्स होते हैं वो भी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप इससे कर सकते हैं एवी मोड या टीवी मोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि आप इन्वर्टर से कर सकते हैं, यदि आपका चाइल्ड लॉक है फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपको किस कंडीशन में, मैं आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से बिना रिमोट के आप एवी मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो का कुछ पार्ट आपसे मिस हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं बिना रिमोट के आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने टीवी को एवी मोड में कर सकते हैं, तो और बिना, और जो टीवी के जो आपके ये बटन्स होते हैं वो भी इसका यूज भी नहीं करेंगे फिर भी आपका एवी मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे टीवी को भी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये मेरी टीवी एलजी मोड पे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एलजी मोड के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी कोई सी भी टीवी हो, कोई सी भी कंपनी को हो, तो ये सारी चीज़ों में लागू होगा। और देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे टीवी को भी ऑन कर लिया है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्मार्टफोन ही होगा। तो इस स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका टीवी का एक रिमोट बन जाएगा, तो वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। अब मुझे यहाँ पे टीवी का एक रिमोट डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे गाइस तो यहाँ पे कई सारे रिमोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे कई सारे रिमोट मिल जाएंगे पर वो काम नहीं करेंगे गाइस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे टीवी रिमोट, यहाँ पे मैंने सर्च किया, आप देखेंगे कई सारे रिमोट मिल जाएंगे पर ये गाइस काम नहीं करते। एक्चुअली में आप यदि यूज़ करे होंगे, कभी ट्राई किए होंगे तो ये काम नहीं करते। पर मैं एक ऐसा ऐप बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके मोबाइल पे अवेलेबल रहता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन रेडमी का फ़ोन है और इसमें एक रिमोट ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल रहता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जैसे कि ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एमआई रिमोट। अगर आपका एमआई का फ़ोन है तो आपके रिमोट ऑलरेडी आप पहले से अपलोड होगा, और अगर नहीं है एमआई का तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एमआई का रिमोट और ये एब्सोल्युटली वर्क करता है। तो गाइस, मैं इस एमआई के रिमोट को पहले सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पे आया है एमआई रिमोट और उसके नीचे लिखा है ऐड रिमोट, तो यहाँ पे मैं ऐड रिमोट पे क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस, आपका जिसका भी चाहिए रिमोट यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि एमआई टीवी का हो गया, एमआई बॉक्स का हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन में हो गया, फिर टीवी है, फिर सेटअप बॉक्स है, एसी है, फ़ैन है, स्मार्ट बॉक्स है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें हम जाते नहीं हैं, हम सीधे जाते हैं टीवी वाले ऑप्शन पर जो कि सेकेंड नंबर पर है, इस पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपके टीवी का जो मॉडल है, कौन से मॉडल का टीवी है वो पूछेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं कई सारे मॉडल, सारे जितने भी ब्रांड होंगे टीवी के वो सारी चीज़ें यहाँ पे, स्मार्ट टीवी जो भी होगा वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था कि एलजी का है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एलजी। जैसे ही मैंने सर्च किया देख सकते हैं एलजी करके, और नीचे आ गया है एलजीएम करके भी कोई कंपनी होगी जिसकी टीवी बनती होगी और वो चलती होगी, तो वो एलजी मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे चलता हूँ अपने टीवी की स्क्रीन में भी और मोबाइल की स्क्रीन में, दोनों को साथ साथ। तो गाइस, मैं यहाँ पे मोबाइल पे आ गया हूँ और देख सकते हैं मैं यहीं पे था, ये वाले ऑप्शन पे था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इज टीवी ऑन, तो ये कुछ इस प्रकार के ऑप्शन था। और ये रही मेरी टीवी और ये रहा रिमोट, और मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको एवी मोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, मतलब कहने का मतलब आपका मोबाइल रिमोट बन जाएगा। तो देखिए, अभी ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और आपके साथ मैं टिप्स देना चाहता हूँ, जैसे कि ये मोबाइल स्मार्टफोन है, नया मोबाइल रहते हैं जो स्मार्टफोन्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे ऊपर साइड ये वाला जो स्लॉट होता है, जो यहाँ पे ये वाला
इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके साइड में आप देखेंगे छोटा सा ये इस प्रकार का आपका बना होगा, ये जो कि सेंसर होता है जो कि आपके फोन से किरणें निकालता है जो कि रिमोट में, अगर ये चीजें हैं तभी आपके में वर्क करेगा ये रिमोट, अन्यथा नहीं करेगा। नहीं तो जिस भी स्मार्टफोन में, हालांकि साले जो न्यू स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें ये रहता ही है, पर अगर आपके में नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। देख सकते हैं ऐसा छोटा सा है ये सेंसर है जिसके कारण से आपकी टीवी में कैचिंग पावर होती है, और ये होता है आपका हेडफोन का जिससे आप म्यूजिक वगैरह सुन। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे टीवी के साथ साथ मेरा फोन भी यहाँ पे जिस फंक्शन पे मैंने ऑन किया था वो फंक्शन पे यहाँ पे ऑन है, और दोनों को मैं लाइव यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इज टीवी ऑन, तो जैसे कि मेरी टीवी ऑन है तो यहाँ पे मैं ऑन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एड टीवी रिमोट, पॉइंट द रिमोट एट टीवी एंड टैप द बटन मेक श्योर टीवी रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये बटन क्लिक करने पर अगर टीवी आपका रिस्पॉन्स करता है तो वही आपका रिमोट होगा। और इसमें आप देख सकते हैं चेकिंग अवेलेबल कंफर्मेशन 1/7, मतलब 7 प्रकार की रिमोट है जो कि आपको यहाँ से कनेक्ट होने के लिए, अगर ये वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, तो इनमें से कोई ना कोई मेक श्योर होगा ही, 100% इसका ये कहना है। तो यहाँ पे अगर आपकी टीवी रिस्पॉन्स करती है, अगर तो गाइस यहाँ पे कोई मेरी टीवी रिस्पॉन्स करती है कि नहीं आइए देख लेते हैं। तो इसको टीवी की ओर इशारा करते हुए, मतलब जिधर टीवी का आपका ये फंक्शन है, मतलब देख सकते हैं इसमें लाइट वगैरह जल रही है जो कैचिंग पावर है उसी की सेट करते हुए मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स कर रहा है, आप देख रहे होंगे, और इसकी जो लाइट नीचे आप देख रहे होंगे वो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, और जिसके कारण म्यूट बटन आ रहा है, ये साइलेंट ही है देख सकते हैं ऑप्शन पे, और ये रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डज, एक मिनट जूम कर देता हूँ, डज द म्यूट बटन वर्क, तो मेरे को यहाँ पे यस कर रहा है। अगर आपका यस नहीं करता है, मतलब वर्क नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आपको नो करके दोबारा चेकिंग करनी होगी। आपको मैंने बताया था ना कि 7 उसमें तरीके हैं जिसके माध्यम से आपका ना कोई जो टीवी वाला रिमोट है वो आपके में कनेक्ट होगा, मतलब अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस नेम LG टीवी और ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं पेयर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं पेयर कर देता हूँ, और एक आपका रिमोट यहाँ पे ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे कि गाइस अभी ये म्यूट था ना, तो इसको अनम्यूट कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, देखिए अनम्यूट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे से मेनू ऑप्शन खोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यूम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि वैल्यूम बढ़ गया इसको, और माइनस भी करना चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए ठीक है, और इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि ये बढ़ गया ठीक है। फिर इसके बाद चैनल चेंज कर सकते हैं, जैसे ये चैनल चेंज हो गया ये, तो साथ में दिखाना थोड़ा सा हो नहीं पा रहा गाइस, और यहाँ पे ये ओके का बटन हो गया। और गाइस इसके साथ ही आप मेन्यू के ऑप्शन को भी खोल सकते हैं, जैसे कि ये वाला ये ऑप्शन रहता है ये देखिए ये वाला, इसको मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेन्यू का ऑप्शन खुल गया। फिर इसको मैं नीचे करता हूँ, ये नीचे हो गया। फिर इसमें मैं AV करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको साइड में प्रेस किया, फिर एक बार साइड में प्रेस किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं TV है और AV है। तो अब इसे नीचे प्रेस करता हूँ, ऊपर या नीचे, तो ये देखिए AV में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरी तरह से वर्क करता है, और इसे ओके कर देता हूँ मैं, और ये हट गया। तो इससे आप वैल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, वैल्यूम घटा भी सकते हैं, तो पूरी तरह से रिमोट की तरह कार्य करेगा। आई होप गाइस ये वीडियो लाइक इट, और ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ गाइस, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।